नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इस दौरान सर्वधर्मी यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा होगी, फिर एयर शो होगा। सेरेमनी करीब 6 घंटे चलेगी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी शामिल होंगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस दिल्ली पहुंच चुकी हैं। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए वायुसेना ने तैयारी पूरी कर ली है। हवा में एक के बाद एक कई विमान प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर की सारंग टीम करतब दिखाएगी। इससे पहले 2016 में भी सारंग टीम अंबाला में एयर शो कर चुकी है। अंबाला के लोगों को घर की छतों से ही एयर शो के करतब दिखाई देंगे। राफेल के साथ अंबाला में पहली बार स्वदेशी तेजस भी करतब दिखाएंगे। तेजस विमान में राफेल की तरह डेल्टा विंग है। इनके अलावा जगुआर और सुखोई 30 परफॉर्म करेंगे। अब आपको बताते हैं राफेल की 5 बड़ी खूबियां। पहला, राफेल ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला विमान है। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। दूसरा, इसमें आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे इसमें 12-पॉइंट राउंड के साथ 30mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जा सकता है। तीसरा, खतरे की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। चौथा, इसमें हवा से हवा में मारने वाली मैजिक 2 और MBDA मीटियर जैसी मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें हवा में 150 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती हैं। पांचवा, राफेल में हवा से जमीन में मारने की भी ताकत है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर की है। इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर से भी बड़ी है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।